माई चैनल, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। और आज जो दिन आ गया है जब मैं जा रही हूँ मेरे फ्रेंड्स लोग के साथ मिनी पिकनिक पर, मतलब नॉट अ बिग पिकनिक बट अ मिनी पिकनिक। और यह एग्जाम के बाद का हमारा पार्टी करने का तरीका, सो चलो चलते हैं। अब हम लोग निकल चुके हैं हमारे पिकनिक स्पॉट के तरफ, तो मैं आपको थोड़ा सा रास्ता समझा देती हूँ। पहले तो राजनांदगांव से 25 to 26 किलोमीटर दूर है, टप्पा के पहले आता है। आपको पहले डोंगरगढ़ का रोड ले लेना है और सीधे सीधे जाना है, दो पुल पार करके जो गांव आएगा उस गांव से जस्ट आगे लेफ्ट साइड में आपको ये दिख जाएगा। हमारे लड़के नहीं आए हैं, सिर्फ लड़कियाँ आई हैं। लड़की जैसे दिख रही, ध्यान से देखो इस चेहरे को, लड़की है, लड़की छे, लड़की छे। चलो लोकेशन इज ओदर बांध, या आप लोग इसको टप्पा डैम के नाम से भी जान सकते हैं। लोकेशन अगर आप मैप पे सर्च करेंगे ओदर बांध, जो मैंने यहाँ पे नीचे लिख के आपको दिया है सेम स्पेलिंग, यू विल गेट इट। और रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था अंदर से जब हम लोग वहाँ से गए, तो मेक श्योर कि आपका जो गाड़ी हो वो बहुत सही हो इस रोड के हिसाब से, एज यू कैन सी। उसके बाद आपको इतना प्यारा व्यू देखने को मिलेगा गाइज, यू कैन जस्ट सी इट आउट। और अभी हम लोग आगे और आपको दिखाएंगे कैसा लग रहा है पहुँच कर। यहाँ से आप ऊपर चढ़ सकते हैं लेकिन मौसम अच्छा नहीं था इसलिए हमने ऊपर नहीं चढ़ा। कैसा लग रहा है बैटरी आकर? अच्छा लग रहा है। ऊपर चढ़ना कैंसिल करके हम आ गए नीचे के साइड, जहाँ पे हम अपना लोकेशन सर्च करेंगे और वहाँ पे सेटअप करेंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग हमारे पिकनिक स्पॉट पे पहुँच चुके हैं, छांव भी हो गई यार। तो अब हम लोग ढूंढ रहे हैं जगह बैठने के लिए और हम खुद बनाने वाले आज कुछ, क्या वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो चलो, बिकॉज ऑफ द फ्लोटिंग वाटर हवा बहुत सही चल रही थी। अब हम लकड़ी बीनने आए हैं, पूजा का योग जलाने के लिए लकड़ी बीनने आए। कितना लकड़ी? वाह वाह, लकड़ी ला लकड़ी ना। हमने हमारी लोकेशन फाइंड आउट कर लिया कि हम यहीं बैठने वाले हैं और आग वाग का सेटअप करने वाले हैं। लोग ये बन रहा है हमारा चूल्हा, एक चूल्हा के लिए 5 लोग, क्या बात है। अब चूल्हा बनने का इंतजार है। तो पिकनिक का स्टार्ट होता है आमा के साथ, कच्चा आम। धीरे धीरे कोई पहचान के है, दीदी हमें। यहाँ पे हमारी आग जल चुकी थी और हमारे अंदर एक उम्मीद का किरण आ चुका था कि हम लोग सही राह पर जा रहे हैं। हमारा सामान, हम लोग बनाएंगे रायता। ये लड़की तेल डालते हुए, और ये आपकी फ्लाई विंग, दही डालते हुए, दही में क्या क्या डालते हुए, फ्लाई विंग दही में क्या, रायता बनाते हुए। ए वो महान है, उल्टा पानी देना, बेपन खोले। इवन हम मुरकू भी अपने साथ लेके आए थे, इसको नड्डा बोला जाता है हमारे यहाँ, आपके यहाँ क्या बोला जाता है आई डोंट नो। और यहाँ पे मैं काट रही थी रायता के लिए सब्जी और हमारा मुरकू रेडी हो रहा था साथ साथ में। इसके साथ साथ हमें यहाँ कुछ लोग मिले जो आई थिंक यहाँ पे काम कर रहे थे और ये हम लोग हमारे कुकिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे, फिर ये लोग भी मुरकू खा के गए यहाँ से। मेरा रायता भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। यहाँ पे नड्डे के साथ साथ गुपचुप भी रखे थे और गुपचुप में रायता डाल के खा रहे थे जो काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा था। एज यू कैन सी हमारी फ्रेंड का रिएक्शन। गुपचुप में रायता डाल के खाने के बाद और सबको खिलाने के बाद यहाँ पे हमने अपना काम बांट लिया था। लड़के धो रहे थे चावल और हम लोग काट रहे थे सब्जियाँ, बिकॉज हम लोग बना रहे हैं पुलाव। और मेरा फोन किसी गलत के हाथों में आ गया था, जिसको आप देख ही सकते हैं, यह वीरेश जो पागलबंदी कर रहा है। लड़कियाँ काम कर रही हैं, लड़के आराम कर रहे हैं, एक जन को बस काम करने आ रहा है और मैं तो बीच की हूँ, ना इधर ना उधर। मतलब कि आधा काम भी कर रही हूँ, आधा वीडियो बना रही हूँ। एक बार आग जला के हम रेडी हो गए खाना बनाने के लिए, मतलब पुलाव बनाने के लिए, और बीच का मैसेज नहीं दिखा पाई बिकॉज मेरा फोन थोड़ा सा गर्म होकर हीट कर दिया था। इसके बाद हम लोग फिर से आग को हीट किए मोबाइल हीट होने के बाद, और यहाँ पे सब्जियों में डल रहा है मसाला। शादी के लिए रेडी है, कॉन्टेक्ट करें दिए गए नहीं नंबर पर। ये था वो व्यू जिसके लिए हम इतना दूर आए थे और हम लोग इसको काफी इंजॉय कर रहे थे। मसालों को अच्छे से भूनने के बाद सबसे पहले इसमें हमने चावल डाला। चावल डालने के बाद हम लोग लगभग 2 लीटर पानी डाला इसमें पर, उसके बाद अच्छे से इसको किया मिक्स मिक्स मिक्स। हमारे पुलाव में उबाल है, मतलब बनने के कगार पे है। लास्ट अचप नींबू, और अब हम पुलाव को ढकेंगे और सब लोग जाएंगे अपने अपने फोटो शूट पर।
अब शूट में जाने के लिए बिल्कुल तैयार, अपना अपना फोटो खींचने के लिए। और हम दो लोग को देख लो, फुल पंगत में, कोई मतलब ही नहीं है। एक जन को खाना बनाने से गाइस जुगाड़ ठंडा करने का, कितना ठंडा है, मस्त पानी यार। यहाँ पे हमारे लड़के कर रहे थे देसी जुगाड़, मिट्टी को खोद कर वहाँ पे हमारा बॉटल्स रख रहे थे कि हमारा बॉटल नॉर्मल हो जाए, क्योंकि गर्मी कारण जो पानी था वो गर्म हो चुका था और डैम का जो पानी था वो बहुत ठंडा था। और इसके बाद सच में पानी ठंडा हो चुका था। एंड के बाद थोड़ा सा मैंने करवाया फोटो शूट अपना। गाइस जा रही है फोटो लेने, मैं अब इसका फोटो क्लिक करूंगी, देख के नदी मत गिर जाना। हो गया ग्रुप फोटो। अच्छा कौन सा डैम? क्या मान्यता पूरी होती है? ये कैसे कर रही है? जैसे सब करते ब्लॉग जैसे सब बनाते हैं वैसे। सनसेट होना चालू हो गया है, अब जल्दी से पुलाव खाएंगे और फिर घर जाएंगे। इसके बाद हमारे बॉयज गए पास वाले गांव में, वहां से लेके आए बहुत सारा पानी और हम सब ने यहां पे परोसना चालू कर दिया है पुलाव। एंड यू कैन सी हमारा पुलाव कितना ज्यादा अच्छा दिख रहा था। फिर हमने सबसे लिया रिव्यू। कैसा लगा टेस्ट? बहुत बकवास। नमक डाल, कुत्ती डाल। रायता कैसा लगा? मैं बनाई हमको पुलाव अच्छा लगा, रायता पता नहीं। रहता अच्छा है नहीं। खा पी कर हो गया है, अब चलते हैं। अभी मिल भी बहन रास्ते में। गोइंग होम, बोरिया बिस्तर लेकर हम वापिस चले। बाय बाय। यहाँ पर सुबह में मुझे दिखा बाहुबली। आफ्टर ऑल द मस्ती यहाँ पे सब निकाल रहे हैं गाड़ी वापस राजनांदगांव जाने के लिए और हम लोग पहुंच चुके हैं राजनांदगांव। आखिरी में गुल्फी पार्टी, आधे लोग को छोड़कर आधे लोगों के साथ। एक ही जो बस पड़े, नहीं, तीन लोग छूट गए, हम छह लोग बाकी। बाय, चलते बाय कर। अभी कहाँ बाय? अच्छा तीन नंदी तक चल रहे, ठीक है। बाय बाय। मैं घर आ चुकी हूँ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन। एंड मेरे साइड से आप उस जगह पे जा सकते हो, पर गर्मी में अवॉइड करना, नॉर्मल ठंडी जो टाइम पे जाना बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों को। बाकी अगर आप गर्मी टाइम में जा रहे हो तो जा सकते हो, थोड़ा शाम में, जैसे हम लोग गए थे 3:30 बजे मैक्सिमम हम लोग गए थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, सी यू सून।